नमस्कार दोस्तों, आप हमें देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग पर। मैं हूं अंकुर तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैक्सीनेटर और सहायक की जो भी भर्ती आई हुई है, जो भी वैक्सीनेटर और सहायक हैं, उनके लिए मैं लगातार जो है वीडियो बना करके देता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं कोई भी हो। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अंत में वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों, चैनल को बढ़ाने के लिए, आपका ये अपना चैनल है तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी वजह से जानकारियां प्रदान हो सके और सही जानकारियां, सटीक जानकारियां उनको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों के बार बार सवाल आ रहे हैं कि अगर किसी वैक्सीनेटर या सहायक को कार्य क्षेत्र में काम करते समय अगर चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या सरकार मुआवजा देगी, हाथ गोड़ पैर जो भी टूट जाता है उसके लिए सरकार आपको कुछ प्रदान करेगी, पैसा देगी, रुपया देगी, बीमा करेगी, कुछ भी करेगी। तो इसी मैटर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सरकार को का जो भी शपथ पत्र है, वैक्सीनेटर का फॉर्म भरते हैं शपथ पत्र, जो भी 10 रुपए के स्टाम्प पर आपने लिखा है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि इसके जान मतलब इसकी जो है कोई भी गारंटी सरकार नहीं लेती। अगर आप खुद से चोट लगती है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, और किसी भी प्रकार का जो है अनुदान या फिर कोई भी बीमा सरकार आपको नहीं देगी। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप पशुपालन में एक अच्छी खासी जानकारी अर्जित कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारी पोलेट्री हो गया और कुक्कुट पालन हो गया, उसके बाद में आपका गौ पालन हो गया, दूध का व्यापार हो गया, डेयरी हो गया, तो इसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी और आप इसका लाभ जो है उसके माध्यम से ले सकते हैं। जो सरकार आपको देगी सैलरी वो तो देगी ही, उसके अदर में आप अपना भी काम जो है ओपन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा जो है मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं तो बहुत ही अच्छी जो है ये जॉब है, तो आप इसमें जो है अपना पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हों आपके जिले में, वो तहसील में, जिले में, वहां से आप जाइए, फॉर्म लीजिए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और ट्रेनिंग ले लीजिए, जिससे कि भविष्य में जो है अच्छा खासा जो है फायदा आप अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं अंकुर तिवारी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी जानकारी या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं एक अच्छे से वीडियो और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल अमेठी ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत।